हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज के विषय में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि अभी जो अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें जो रामलला की गर्भगृह में जो मूर्ति रखी जा रही है रामलला की, वो मूर्ति इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। अरुण योगी राज के द्वारा ही वो मूर्ति बनाई गई है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार मूर्तिकार हैं। यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। आप लोग इनको बहुत अच्छे से रीड करिए और लर्न करिए। सबसे पहला प्रश्न इनसे यही बनेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो इनका जन्म 1987 ईस्वी को, अभी ये बहुत कम उम्र के हैं, 1987 ईस्वी को कर्नाटक में होता है। और कर्नाटक में कहाँ, तो मैसूर जिले के अग्रहार नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। ईस्वी में कर्नाटक में होता है और कर्नाटक में कहाँ, जिला कौन सा है, तो मैसूर जिला है। मैसूर जिले के अग्रहार नामक स्थान पर, अग्रहार नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। अग्रहार नामक स्थान पर जन्म इनका जन्म होता है। और किस कलाकार का जन्म मैसूर में होता है, तो के वेंकटप्पा का जन्म मैसूर में होता है। के वेंकटप्पा को ही मैसूर का मंसूर कहा जाता है। इनके पिता का क्या नाम है, इनके पिता भी इम्पॉर्टेंट बनेंगे, पिता का नाम भी इम्पॉर्टेंट बनेगा क्योंकि ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। इनके पिता का नाम योगी राज है जो कि क्या है, ये मूर्तिकार हैं। इनके दादा भी क्या है, बसवन्ना शिल्पी। इनके दादा का नाम है बसवन्ना शिल्पी ये भी क्या है, एक मूर्तिकार हैं। इनकी माता का नाम सरस्वती है तथा इनकी पत्नी का नाम विजेता योगीराज। इनकी पत्नी का नाम विजेता योगीराज है। इनके भाई भाई का नाम भी, इनका भाई भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक क्या है, मूर्तिकार है। इनके भाई का नाम सूर्य प्रकाश है ये भी क्या है, तो ये भी एक मूर्तिकार है। इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा अपने पिता योगी राज से ही ली थी। ये किसी स्कूल या कॉलेज से मूर्तिकला की शिक्षा नहीं लिए थे, बल्कि मूर्तिकला की शिक्षा ये अपने पिता योगी राज से ही लिए थे।
इनकी प्रारंभिक शिक्षा मैसूर में होती है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी मैसूर में होती है। फिर उसके बाद ये MBA करते हैं। MBA करके कुछ दिनों तक ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी करते हैं, लेकिन 2008 ईस्वी में ये अपनी जॉब को छोड़ करके पूरी तरह से ये मूर्तियां बनाने में लग जाते हैं। MBA करने के बाद एक कुछ समय तक प्राइवेट जॉब भी करते हैं। लेकिन 2008 में मूर्ति बनाने में लग जाते हैं। ये 2008 ईस्वी से ये पूरी तरह से ये अपनी जॉब को छोड़ देते हैं और पूरी तरह से ये मूर्ति बनाने में लग जाते हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो 5 पीढ़ियों से इनके पूर्वज यही मूर्तियों को तराश रहे थे, मूर्तियां बनाने का काम कर रहे थे। तब इनका भी मन नौकरी में नहीं लगा और ये फिर मूर्तियां बनाने लगे। जब ये 11 वर्ष के थे, इनके विषय में एक महत्वपूर्ण बात है कि जब ये 11 वर्ष के थे तभी इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी जिससे इन्होंने अपने कला का परिचय दिया था, मूर्ति बनाने का परिचय इन्होंने दिया था। अपनी कला का परिचय दिया था। इनके पूर्वज पांच पीढ़ियों से मूर्तियों को तराश रहे हैं, यानी मूर्तियों बनाने का काम कर रहे हैं। अब इनको कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ और इन्होंने किसकी किसकी मूर्तियां बनाई थी, पुरस्कार में इनको देख लेते हैं। पुरस्कार कौन कौन सा मिला,
इनको 2014 में केंद्र सरकार द्वारा यंग टैलेंट का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनको 2014 में केंद्र सरकार द्वारा यंग टैलेंट पुरस्कार दिया गया। 2021 ईस्वी में इनको कर्नाटक के शिल्प परिषद द्वारा कर्नाटक के शिल्प परिषद द्वारा मानद सदस्य का सम्मान प्राप्त हुआ। मानद सदस्य का इनको सम्मान प्राप्त हुआ। अब इनका जन्म 1987 ईस्वी को कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में कहाँ, तो मैसूर जिले में अग्रहार नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। इनके पिता योगी राज, जो कि एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बनेंगे कि इनके पिता इम्पॉर्टेंट बनेंगे, परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं इनसे बनेंगी। इनका जन्म भी इम्पॉर्टेंट है। इनके दादा बसवन्ना शिल्पी हैं, जो कि एक मूर्तिकार हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे जितना आपको हम बता रहे हैं सभी के सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इनकी माता का नाम सरस्वती है, पत्नी का नाम विजेता योगी राज है, भाई का नाम इनके सूर्य प्रकाश, जो कि एक मूर्तिकार हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट बनेंगे। मूर्तिकला की शिक्षा इन्होंने किसी स्कूल या कॉलेज से नहीं ली थी, बल्कि अपने पिता योगी राज से इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा ली थी। प्रारंभिक शिक्षा इनकी मैसूर में होती है। MBA करने के बाद ये कुछ समय तक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, उसके बाद ये नौकरी को छोड़ देते हैं और 2008 ईस्वी से ये पूरी तरह से मूर्तियाँ बनाने के काम में लग जाते हैं। इनको पुरस्कार कौन कौन सा प्राप्त हुआ, तो 2014 में इनको केंद्र सरकार द्वारा यंग टैलेंट पुरस्कार प्राप्त किया हुआ। 2021 में इनको कर्नाटक के शिल्प परिषद द्वारा मानद सदस्य का सम्मान प्राप्त हुआ। अब इन्होंने मूर्तियां किसकी किसकी बनाई हैं, तो मूर्तियां भी इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट बनेंगी। मूर्तियों को भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए कि मूर्तियाँ कितने फिट की बनाए थे, मूर्तियों की लंबाई कितनी थी, इन सब को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। और MBA की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की थी, तो MBA की पढ़ाई इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से की थी। MBA मैसूर विश्वविद्यालय से इन्होंने किया था। MBA इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से किया और मैसूर विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उनके द्वारा इनको सम्मान भी प्राप्त किया गया है। मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा इनको सम्मानित किया गया था।
अब इनकी कुछ प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अब हम इनकी प्रसिद्ध मूर्तियों के विषय में जानेंगे कि इनकी कौन कौन सी मूर्तियां हैं और कहां कहां पर रखी गई हैं। तो प्रसिद्ध मूर्तियां इनकी, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी प्रतिमा बनाई, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी प्रतिमा बनाई और वो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले ये मूर्ति इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के पीछे पीछे की छतरी में स्थापित की गई है। ये मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के पीछे की छतरी में स्थापित की गई है। और दूसरी मूर्ति इन्होंने बनाई जो केदारनाथ में बनाई, जो कि 120 फीट की है। केदारनाथ में 120 फीट की आदि शंकराचार्य की बनाई। डॉक्टर अंबेडकर की भी इन्होंने प्रतिमा बनाई थी। डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा बनाई वो 15 फीट की है। डॉक्टर अंबेडकर की 15 फीट की प्रतिमा बनाई और रामकृष्ण परमहंस की इन्होंने 10 फीट की मूर्ति को आकार ये दे चुके हैं। रामकृष्ण परमहंस की
रामकृष्ण परमहंस की 10 फीट की मूर्ति इन्होंने बनाई। ये इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। और अभी 22 जनवरी 2024 को जो रामलला की जो गर्भगृह में मूर्ति स्थापित होने जा रही है, वो मूर्ति यही प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज के द्वारा ही बनाई गई है। इसलिए सबसे बड़ी प्रसिद्धि इनकी यही बनती है कि इन्होंने रामलला की 51 इंच की इन्होंने मूर्ति बनाई है। जो 22 जनवरी 2024 को इनके द्वारा बनाई मूर्ति को अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा। को इनके द्वारा बनाई मूर्ति को अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। तो ये इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की भी मूर्ति बनाई, जो कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति के पीछे वाली छतरी में स्थापित किया गया है। और इन्होंने केदारनाथ में 120 फीट की प्रतिमा बनाई, जो कि शंकराचार्य की आदि शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई। रामकृष्ण परमहंस की 10 फीट की मूर्ति बनाई और रामलला की 51 फीट की मूर्ति बनाई, जो कि अभी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में नवनिर्मित जो गर्भगृह में रामलला की मूर्ति रखी जाएगी, वो इन्हीं के द्वारा बनाई हुई मूर्ति है। इसलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं 100% बनेंगी, इसलिए इनको आप लोग बहुत अच्छे से रीड करिए और लर्न करिए। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों, हमारे यहाँ जो 5 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, वो भी बहुत ही अच्छी क्लास है। जो स्टूडेंट उस क्लास को ले रहे हैं, वो जान पा रहे हैं कि ये क्लास कितनी अच्छी है। यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जा रहा है और एक क्लास के अंतर्गत 4 क्लासें दी जा रही हैं। वो 4 क्लासें जब आप इसमें एडमिशन लेंगे, तब आप जान पाएंगे कि वो 4 क्लासें कौन कौन सी हैं, और चारों क्लास अपने आप में बहुत अच्छी साबित होगी। इसमें जो है पूरा प्रीवियस पेपर, जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं, कम से कम 15 साल के प्रीवियस पेपर को इसमें जो है फिर से मैम के द्वारा, पूजा मैम के द्वारा इसको फिर से अच्छे से यहाँ पे पूरा रिवीजन कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और ये सारी क्लासें पूजा मैम के द्वारा ही ली जाएंगी।
इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप लोग इस क्लास को जरूर लीजिए, क्योंकि इस क्लास का नाम ही ऐसा है, नाम का इफ़ेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। कोई भी किसी के अभी नाम रहता है तो उसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। और इस का नाम है तैयारी जीत की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत दिलाएगी। आप लोगों ने देखा बिहार का रिजल्ट आया, उसको भी देखा, उत्तराखंड का आया, हरियाणा का आया, आप लोगों ने देखा कि इस कोचिंग से, इस संस्थान से कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, वो पूजा मैम की मेहनत और लगन का, इसके साथ साथ आप लोगों की भी मेहनत का भी वो फल है। इसलिए हम यही चाहेंगे स्टूडेंट, आप लोग इस क्लास को ज़रूर लीजिए। और इसके साथ एक बहुत अच्छी बुक है हमारे यहाँ, एक नोट्स है, उसको बुक नहीं, एक नोट्स, जो कि वो नोट्स जो है वो रिवीजन, वो नोट्स जो है रटने के पर्पज़ से बनाई गई है, कि उस उसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को अगर आप रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अच्छे से लर्न कर लेते हैं, तो कला से संबंधित कोई भी परीक्षा आपको सफलता दिलाने से रोक नहीं पाएगी। आप हर परीक्षा में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, आप लोग उस क्लास को लीजिए, उस बुक को लीजिए, और आप लोग इस नए सत्र में नए साल में आप लोग सफलता को प्राप्त कीजिए। आप लोग एक भावी शिक्षक से एक शिक्षक के रूप में बन जाए, यही हम लोगों की ईश्वर से कामना है। तो विद्यार्थियों, आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इसके साथ साथ आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट भी करिए। तो विद्यार्थियों, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।